हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल बनने जा रहा है क्योंकि आज मेरे भांजे अब्दुल रहीम का बर्थडे है। तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अब्दुल रहीम। अल्लाह बहुत खुश रखे, बहुत तरक्की दे और हर खुशी आपको मिले। तो इसके साथ ही साथ मैंने इस खुशी के मौके पर मैंने अब्दुल रहीम के लिए बहुत ही अच्छा सा हलवा बनाया है। तो आइए देखते हैं। और वो हलवा है रागी का हलवा, जो बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। तो बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं उसको। बहुत ही टेस्टी हलवा होता है रागी, यानी नाचनी का हलवा है, जो मैंने बहुत ही इजीली भी बन जाता है, तो मैंने उसको बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं, चलिए मेरे साथ। एयरटाइट डब्बे में स्टोर कर लिया है। आप इससे कभी भी रोटी, हलवा, कोई भी स्वीट डिश बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही टेस्टी के साथ साथ बहुत ही हेल्दी होता है। और यह है गुड़, आप इसमें हलवे में गुड़ या शक्कर कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स है जो मैं अभी इसको कट कर लूँगी। और उसके साथ एक ये है हमारी हरी इलायची, जिससे मैं बघार दूँगी हलवे को, और देसी घी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। देसी घी मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में। एक इलायची, एक हरी इलायची डाल रही हूँ मैं। तो इस रागी को मैंने भून कर पीसा था, इसलिए मुझे ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैं इस घी में डायरेक्ट ये रागी का पाउडर डाल रही हूँ और इसको हल्का सा भून लेंगे। स्लो फ्लेम कर देंगे, ये जले नहीं। बहुत ज्यादा भूनना नहीं है क्योंकि मैंने इसको भून कर ही पीसा है। इसका कलर कुछ इस तरह से है, देखिए इसमें इसका असली कलर दिख रहा है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। मैंने एक चम्मच और मैं इसमें डाल दे रही हूँ, एक ये दो चार चम्मच, इस चम्मच से मैंने चार चम्मच लिया है। तो ये देखिए भून के कुछ इस तरह हो गया है, इतना प्यारा दिख रहा है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है इसमें। तो मैं इसमें थोड़ा सा भी पानी डाल दे रही हूँ। तो
पानी डाल रही हूँ और गुड़ डाल रही हूँ साथ ही साथ। इसके साथ ही साथ मैं इसमें मैं गुड़ भी डाल दूंगी। इसको थोड़ा धीरे धीरे हिला लेना है। थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ मैं, थोड़ा ताकि गुड़ पिघल जाए अच्छी तरह से। इसमें गुड़ थोड़ा खड़ा खड़ा है। इसमें इसको अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स भी नहीं पड़े। और अगर आपको जितना मीठा खाना है आप उस हिसाब से शक्कर या गुड़ कुछ भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे मैं ढक के रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमारा रागी का हलवा बनकर रेडी हो गया है। मैंने इसमें ऊपर से देसी घी और डाल दिया है और इसको काजू और बादाम से ऊपर से मैंने उसको सजा दिया है काजू और बादाम से। और इस पे मैंने इसको प्याले में लेकर निकाल कर मैंने इसमें दूध डाला है कि अगर बच्चे वगैरह खाना चाहते हैं तो दूध के साथ भी खा सकते हैं, इस तरह से भी खा सकते हैं। और ये दोनों बहुत ही यमी होता है, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही डिलीशियस है। तो आप भी ज़रूर ज़रूर से बनाकर अपने बच्चों को भी खिलाइए, आप भी खाइए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।